क्यों छुपी हो अब रोशनी में आ। मैदान आ गया है खंजर कलम बनी है, लेकर किताब हाथ में आंचल में रख लिया है। दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, तुम भी बदल दिखाओ। घूंघट में क्यों छुपी हो अब रोशनी में आ। समय का अभाव है इसलिए गीत तो बहुत है, लेकिन अभी मैं गाना नहीं चाहूंगी। लेकिन हम ये कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के लिए किए हैं वो सराहनीय है, उसको हम सभी जान रहे हैं कि हमारे बिहार के लिए यदि कोई भी मंत्री काम किया है तो वो हमारे नीतीश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार, जो हर लड़कियों को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो कहीं भी साइकिल पे सवार होके आती है जाती है, कोई डर नहीं है। आज के पहले हमारी लड़कियां हमारी बेटियां अगर रोड पर निकलती थी तो लोग कहते थे देखो तो कैसे स्टाइल से चलती है, लेकिन आज अगर साइकिल पर चलती है तो लोग उसको टोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जान रहा है कि आज समाज बदल रहा है, आज बेटियां बढ़ रही है, आज बेटियां पढ़ रही है। इसके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगी कि अब गहना न जेबर सिंगार के सब बेटी जब पड़ गल बिहार के, अब गहना न जेबर सिंगार के सब बेटी जब पड़ गल बिहार के। बेटी पढ़ना सीखी, बेटी लिखना सीखी, बेटी चलना सीखी, बेटी बोलना सीखी, अब ले लगी अब जाने लगी अपने अधिकार के, सब बेटी जब पड़ गल बिहार के। अब साइकिल पे होके सवार के सब बेटी जब पड़ गल बिहार के। बेटी डॉक्टर बनी, बेटी मास्टर बनी, बेटी डॉक्टर बनी, बेटी मास्टर बनी, बेटी एयर होस्टेस बनी, बेटी कलेक्टर बनी, अब लगे लगी योजना सरकार से सब बेटी जब पड़ गल बिहार के। अब गहना न जेवर सिंगार के सब बेटी जब पड़ गल बिहार के। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है जो हमारे बेटियां इतनी सक्षम हुई है और इतनी जागरूक हुई हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे चकाई विधानसभा के लिए यदि कोई कार्य किए हैं तो हमारे माननीय सुमित भाई जी हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे मानव मंडल टोला में आए और सामुदायिक भवन का उद्घाटन करते हुए हमारे मंडल टोला का सम्मान बढ़ाए। हमारे दामोदर रावत जी आए, इन सबों को मैं मंडल समाज की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ये कहूँगी यहाँ के उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों से कि यदि हम अपने चकाई विधानसभा में विकास चाहते हैं तो हमें फिर से ये जो पूर्व लगाना पड़ता है ये हटाना पड़े और हमें फिर से अपने सुमित भाई जी को अपने सोनो प्रखंड के चकाई विधानसभा में लाएं और इन्हें फिर से वोट देकर जिताएं और कहें कि सुमित भैया जिंदाबाद, 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 हमारा रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे सुमित भाई जी का नाम रहेगा। इसके लिए हम अपने जात पात भेदभाव धर्म समाज को दूर रख के ये कभी ना सोचे कि हम किसको वोट दें, हमारा भाई खड़ा है, हमारा जाति खड़ा है तो उसको वोट दें, नहीं, जो हमारे लिए सोचता है हम उसके लिए सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे ना इनके लिए सोचेंगे, जो हमारे लिए सोचेंगे हम उनके लिए सोचेंगे। इसलिए मैं तमाम बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा कि गैरों पे हंसना छोड़ो अपने पे रोना छोड़ो, गैरों पे हंसना छोड़ो अपने पे रोना छोड़ो, ऐ खुदा के बंदे ऐसी हरकत से नाता तोड़ो, ऐसी हरकत से नाता तोड़ो। कदम मिलाकर हम अपने सुमित भाई के साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जय हिंद, जय जदयू, जय भारत, जय मंडल समाज, जय जदयू, जय नीतीश सरकार। थैंक यू, धन्यवाद।